दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयर ब्रेक्स के बारे में। एयर ब्रेक्स होता क्या है, इसे कहां और कब इस्तेमाल करते हैं, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरोसिम्प्लीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। एयर ब्रेक एक ऐसा फ्लाइट कंट्रोल सरफेस है जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय ड्रैग को इंक्रीज करता है। ये एयर ब्रेक ड्रैग को इंक्रीज करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 1931 में इसको डेवलप किया गया था। एयर ब्रेक्स विंग्स के ट्रेलिंग एज के नीचे प्लेस्ड होते हैं। ग्लाइडर्स में ब्लेड स्टाइल सेल्फ ऑपरेटिंग ब्रेक्स होते हैं जो विंग्स के ऊपर और नीचे प्लेस किया जाता है, इससे ड्रैग को प्रोड्यूस हो जाता है और इसे वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल किया गया था। ग्लाइडर्स एक प्लेन होता है जो एयरक्राफ्ट से भी हेवी होता है। कुछ एयरक्राफ्ट में स्पॉइलर का इस्तेमाल करते थे, ये स्पॉइलर लिफ्ट को डिक्रीज करता था। इस स्पॉइलर को विंग के ऊपर प्लेस करने से एंगल ऑफ डिसेंट को लैंडिंग के वक्त एडजस्ट कर सकते थे। एयरक्राफ्ट के अल्टीट्यूड डिक्रीज हो जाता है तो उसे एंगल ऑफ डिसेंट कहते हैं। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में स्पॉइलर और एयर ब्रेक को दोनों को इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से लिफ्ट डिक्रीज हो जाता है और ड्रैग इंक्रीज हो जाता है। कुछ एयरक्राफ्ट में स्पॉइलर फॉरन ड्रैग को प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से लैंडिंग गियर के ऊपर ब्रेक का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ एयरक्राफ्ट में टेल कोन हाइड्रोलिकली स्प्लिट होकर ओपन होकर वेरिएबल ब्रेक की तरह काम करता था। इस वेरिएबल ब्रेक्स को स्पेस शटल में इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये था एयर ब्रेक्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एयर सिंप्लीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।